हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे चैनल बी आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आईआईटी के द्वारा एनपीटीईएल में ऑनलाइन मूक कोर्स द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग पाइथन पर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2 को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, वीक 4 में प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2 को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको अपने लॉगिन पर ले चलता हूँ। ओके दोस्तों, आप सभी को दिख रहा है प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2 लार्ज नंबर्स। तो पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पाइथन कैन इजीली हैंडल लार्ज नंबर्स। यू कैन स्टोर ए ह्यूज नंबर इजीली इन पाइथन। ओके, इन दिस प्रोग्राम यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हमें क्या करना है इस प्रोग्राम में, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर गिवन ए नंबर के। एक नंबर के है जो गिवन है, सो उसका फैक्टोरियल क्या हुआ, इट्स फैक्टोरियल इज के फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1 × 2 × 3 × 4 × k। फॉर एग्जाम्पल के बराबर 4, तो 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 1, 2, 3, 4 = 24। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल का हमें प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जहां पर गिवन एन इनपुट के, यू हैव टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ के। तो इनपुट में क्या है आपके पास, नंबर के इन ए सिंगल लाइन। आउटपुट में क्या है, के फैक्टोरियल इन ए सिंगल लाइन। तो देखिए एग्जांपल में क्या है, इनपुट है 5, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 120। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, k इज 5, हेंस 5 फैक्टोरियल इज 1 × 2 × 3 × 4 × 5 व्हिच इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जो है एक फैक्टोरियल का। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम बर्बाद किए यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए पाइथन 3 को सेलेक्ट करेंगे और देन अब यहाँ पर हमें प्रोग्राम बनाना है। पहले एक इनपुट कराना है, वो है के। तो के को इनपुट कराएंगे हम लोग, जो हमारी वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर इनपुट यूज किया, देन उसके बाद जब हम इनपुट की वैल्यू इनपुट करा देंगे के में, देन अब हम फाइंड करेंगे फैक्टोरियल। तो स्टार्ट विद 1, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर लूप, जो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, फॉर लूप लगेगा जो हमारी k वैल्यू है वहाँ तक, और कहाँ से, 1 से। तो i n range 1, k+1। तो 1 से k तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, देन यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद नॉर्मल जो प्रोग्राम हमारा फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i यूज किया जाता है, उसे हम नॉर्मली यूज करेंगे एंड देन हमें क्या करना है, सीधे सीधे प्रिंट कर देना है इसके आउटपुट को। तो मैंने क्या किया, आउटपुट लिखा प्रिंट में फैक्ट कॉमा एंड बराबर डबल कोट्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम पहले क्या करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। देखिए मैंने यहां पर कंपाइल एंड रन किया, और देखिए आउटपुट क्या आया, देखते हैं। देखिए यहां सारे ही केसेज हमारे पास हो चुके हैं, तो एक बार प्रोग्राम को फिर से देख लेते हैं और फिर सबमिट करेंगे हम। तो हमारा क्या फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, k में इनपुट कराना है, तो मैंने k इनपुट कराया, इंटीजर इनपुट एंड देन फैक्ट की वैल्यू 1,
और जो हमारा फॉर प्रोग्राम चला आई इन रेंज 1 कॉमा k प्लस 1 जो k तक चल रहा है, देन फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i और उसे हमने प्रिंट कर दिया फैक्ट कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। ठीक है, तो अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया और देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम चेक करेंगे क्या रहा। देखिए हमारे सारे टेस्ट केसेस जो हैं पास हो चुके हैं। ओके, तो मेरा जो प्रोग्राम है बहुत ही छोटा बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, तो कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, हम इसे इजीली यूज में ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।